Dear students, in this video we will solve exercise 1.6 of chapter number 1. Exercise 1.6 is related to Roman numerals. Okay, so let us start this exercise. Students, all Roman numerals are formed by using the 7 letters I, V, X, L, C, D and M. देखिए रोमन numerals को हम लोग क्या करते हैं, 7 letters English alphabet के 7 letters I, V, X, L, C, D, M से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रोमन न्यूमेरल्स को राइट करते हैं. रोमन न्यूमेरल्स को राइट करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है. तो रूल्स पे आने से पहले हम लोग जान लेते हैं आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं. आई को हम लोग पढ़ते हैं 1. हिंदू अरबिक न्यूमेरल में आई को क्या पढ़ते हैं, 1. वी को हम लोग 5 पढ़ते हैं. एक्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं. एल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 50. सी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 100. और डी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 500. एम को क्या पढ़ते हैं, 1000. ओके, तो ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स हैं जो कि रोमन न्यूमेरल्स में यूज किए जाते हैं. और इनका वैल्यू क्या होता है, आई मीन्स 1, वी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500 और एम मीन्स क्या होता है, 1000. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमेरल्स. तो रूल नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, रूल नंबर फर्स्ट इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आई और जो एक्स हमारे रोमन सिंबल्स होते हैं, ठीक है, इनका रिपीटिंग मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं. कितने टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम्स ओनली वी कैन रिपीट दीज लेटर्स और दीज सिंबल्स 3 टाइम्स टू राइट रोमन न्यूमेरल्स. जैसे यहाँ पे हमने आई लिखा, आई का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है. डबल आई का मतलब क्या होता है, 1 फॉर फर्स्ट आई प्लस सेकेंड 1 फॉर सेकेंड आई, दिस इक्वल टू 1 प्लस 1 2, ठीक है. इसी तरह से हमने ट्रिपल आई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है. तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3. जैसे एक्स है, एक्स मीन्स क्या होता है, 10. डबल एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10, दिस इक्वल टू 20. ट्रिपल एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, दिस इक्वल टू 30, ठीक है. तो इस तरह से कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीटिंग करते हैं. ओके, तो इसमें हम लोग भी एल और डी को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे 7 में से ये 3 छोड़ दिए हम लोग, तो 4 बचा. तो 4 जो हमारे लेटर्स होते हैं, आई, एक्स और क्या है हमारा, आई एक्स, इसके बाद से सी है और इसके बाद से क्या है, एम. तो इन चारों का हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीटिंग कर सकते हैं. ओके, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर सेकेंड पे. लेकिन इनका रिपीटिंग नहीं होता है, इनका रिपीटिंग अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, रोमन न्यूमेरल रॉन्ग हो जाएगा. रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है कि अगर कोई हमारा रोमन न्यूमेरल मान लीजिए है भी, ठीक है, भी के राइट साइड में मैंने अगर आई लिख दिया तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, ये हमारा भी क्या होता है, 5 को शो करता है. और राइट साइड में लिखने का मतलब स्मॉल वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल को हम लोग अगर राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वह वैल्यू क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, दिस इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 6.
जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे एक्स एक्स भी, एक्स एक्स भी का मतलब यहाँ पे एक्स एक्स का मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं 20 होता है, प्लस भी का मतलब क्या होता है 5, क्यों, क्योंकि भी क्या है राइट साइड में है एक्स के, ठीक है, तो 20 प्लस 5 25, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए एक और हम लोग देख लें, यहाँ पे है एक्स वी ट्रिपल आई डिस इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स मीन्स 10 प्लस वी मीन्स 5 प्लस ट्रिपल 3 का मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रिपल आई का मतलब 3 दिस इक्वल टू 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, ओके। आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द रूल नंबर 3 टू राइट रोमन न्यूमेरल्स। लिसन, यहाँ पे अगर भी दिया है और भी के हम लोग राइट साइड में अगर स्मॉल वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल को लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इस वैल्यू में उसको प्लस कर देते हैं, और वही लेफ्ट साइड में अगर हम लोग स्मॉल वैल्यू वाले रोमन सिंबल को लिखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है ये जो राइट साइड वाला ग्रेटर जो वैल्यू होता है 5, इसमें से लेफ्ट साइड वाले स्मॉलर वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू वाला जो भी रोमन न्यूमेरल हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है राइट साइड वाले ग्रेटर वाले में से वो माइनस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्सएल है, एक्सएल मीन्स एल क्या होता है 50 और माइनस क्या हो जाएगा 10, क्यों माइनस होगा क्योंकि एल के लेफ्ट साइड में एक्स है दिस इक्वल टू 40, ठीक है। जैसे लिख दिया गया एक्ससी, एक्ससी का मतलब सी का मतलब 100 होता है और माइनस में क्या हो जाएगा एक्स का मतलब 10 दिस इक्वल टू 100 - 10 90, ठीक है। रूल नंबर हम लोग 4th पे आते हैं, रूल नंबर 4th क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है एक्स भी, ठीक है, एक्स भी का मतलब होता है 15, एक्स का मतलब क्या होता है 10, ठीक है, और भी का मतलब क्या होता है 5, ठीक है, और यही भी के हम लोग लेफ्ट में, भी के लेफ्ट में और एक्स के राइट में यानी कि इसके मिडिल में हम लोग स्मॉलर वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरल को अगर लिख दिए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है ये राइट साइड वाला जो ग्रेटर वैल्यू होगा तब होगा उसमें से ये माइनस हो जाता है। इस तरह से क्या होगा 5 - 1 दिस इक्वल टू 10 + 4 इक्वल टू 14, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एम सी एंड डी, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं एम का मतलब क्या होता है 1000 प्लस यहाँ पे सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500, ये 500 और 1000 के बीच में है स्मॉलर वैल्यू, तो ये डी वाले वैल्यू में से क्या होगा ये माइनस होगा, तो 500 - 100 दिस इक्वल टू 1000 प्लस ये 500 - 100 400, इस तरह से हम लोग को क्या मिलेगा ये 1000 में 400 हम लोग प्लस करेंगे तो 1400 हम लोग को ये फाइनली आंसर मिलेगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा भी भी एल और जो डी होते हैं, ठीक ना, ये 3 जो हमारे रोमन न्यूमेरल होते हैं आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ नेचुरल न्यूमेरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। देखिए किसी भी न्यूमेरल यानी कि जो रोमन न्यूमेरल है उसके ग्रेटर वैल्यू के वाले न्यूमेरल के लेफ्ट साइड में हम लोग इनको कभी नहीं लिख सकते हैं, अगर लेफ्ट में आपने लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इनको कभी भी लेफ्ट साइड में हम लोग नहीं लिखते हैं, ओके। उसके बाद से आई, आई जो होता है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स, आई जो होता है वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, वी में से या एक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ओके। नहीं, जैसे भी और एक्स में से भी ओनली हम लोग क्या करते हैं आई को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि भी और एक्स से ये क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे, एक्स जो होता है एक्स केवल और केवल यल और सी में से ही सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और सी जो होता है सी केवल डी और एम में से ही क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है,
ठीक है। आई को हम लोग वी और एक्स में से सबट्रैक्ट करते हैं ऑनली, एक्स को एल और सी में से करते हैं, और सी को डी और एम में से केवल सबट्रैक्शन हम लोग करते हैं। इस तरह से हम लोग रोमन न्यूमेरल्स का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट का फर्स्ट दिया है कि राइट द रोमन न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हिंदू अरबिक न्यूमेरल में ये नंबर दिया है, ठीक है, और इसको हम लोग को क्या करना है, रोमन न्यूमेरल में चेंज करना है इसको। तो 32 का मतलब फर्स्ट, एक्स का मतलब 10, सेकेंड एक्स का मतलब 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, और 30 प्लस डबल आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32। ओके, इसी तरह से मान लीजिए इसका सिक्स दिया है, सिक्स क्या दिया है 347। तो 347 के लिए क्या हो जाएगा, 347 के लिए फर्स्ट सी का मतलब 100, सेकंड सी का मतलब 200, 300, ओके, और एक्स एल का मतलब 40, 340, और 40 प्लस 7, 7 का मतलब भी 40 प्लस 5, 45 एंड 2, 47, ये क्या हो जाएगा, ये 100, 200, 300, 340, 40 प्लस 7, 47, 347 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए इसका एट दिया है, एट क्या है, यहाँ पे दिया है 1491। तो 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, m, m का मतलब 1000, ओके। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे m के बाद से हम लोग लिखेंगे d, और d के लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे c, यानी कि ये हो गया 1000, और ये cd का मतलब हो गया 400, यानी कि 1400 हो गया। 91 का मतलब क्या हो जाएगा, 91 का मतलब ये आपका, 91 का मतलब ये आपका, ये 1400 प्लस ये 90 हो जाएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा 91, यानी कि 1491। तो इस तरह से ये हम लोग नंबर्स को लिख लिए, हिंदू अरबिक में दिया था, हम लोगों ने किस में लिखा इसको, रोमन में लिखा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ऐसे बाकी बचे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन सेकंड में दिया है रोमन न्यूमेरल में, और इसको हम लोग को हिंदू अरबिक न्यूमेरल में क्या करना है, चेंज करना है। इसको इजिली हम लोग कर सकते हैं, एक्स एक्स का मतलब 20 प्लस वी, और आई का मतलब क्या होता है आपका 6, 20 प्लस 6 26। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है सी डी, सी डी ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, तो सी और डी का मतलब, डी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ग्रेटर होता है, और इसके लेफ्ट साइड में सी है, तो ग्रेटर वाले में से स्मॉलर वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 500 डी है, और इसमें से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 400, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे, क्वेश्चन नंबर एट इज सी एम एल एक्स वी। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, सी और एम, एम के लेफ्ट साइड में सी है, इट मीन्स ये एम से क्या है छोटा है, तो एम वाले वैल्यू में से माइनस होगा, तो 1000 माइनस 100 ये हो जाएगा। इसके बाद से एलेक्स, एलेक्स का मतलब होता है 60 प्लस वी का मतलब क्या होता है 5, यहाँ से हम लोग को क्या मिला, ये 900, ओके, प्लस 65, दिस इक्वल टू 965। अदर क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से थर्ड क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर और लेस। देखिए बीच में क्या करना है हम लोग को, ग्रेटर या लेस का सिंबल बनाना है। जैसे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन सी एक्स सी वी डबल आई, उसके बाद से ब्रैकेट यहाँ पे बॉक्स बनाया है, इसके बाद से दूसरा नंबर लिखा है सी एल एक्स एक्स वी। तो यहाँ पे हम लोग देखें ये क्या है हमारा, ये सी एक्स का मतलब हमारा हो जाएगा 110 प्लस, ये सी वी का मतलब क्या हो जाएगा 100, ये 100 होगा। इसके बाद से एक्स सी का मतलब हो जाएगा 90,
और भी डबल आई का मतलब क्या हो जाएगा, सेवन। तो इस तरह से हम लोग को ये क्या मिला, 197। और ये क्या हो जाएगा, सी एल का मतलब हो जाएगा 150, ओके, प्लस डबल एक्स का मतलब 20 और भी का मतलब 5। तो 150 प्लस 20 70, 70 प्लस 5 75, 175। तो इसमें ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है, 175 197 से छोटा होता है, इसलिए ये वाला लेफ्ट साइड वाला नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह से अदर क्वेश्चंस का कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, विच आर द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, इनमें से कौन मीनिंगलेस है उसको हम लोग को सेपरेट करना है। जैसे यहाँ पे भी जो होता है कभी भी एक्स के लेफ्ट में हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, मीनिंगलेस, इसको हम लोग बोलेंगे ये मीनिंगलेस है, इसकी ये कोई भी रोमन न्यूमेरल नहीं है। आई सी, सी के लेफ्ट में आई नहीं होता है, आई हमेशा क्या होता है, किसके किसके लेफ्ट में होता है, भी और एक्स के लेफ्ट में होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सएल पे, एक्सएल का मतलब ये क्या होता है, एल के लेफ्ट में एक्स होता है, ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल नहीं है। भी एल, भी जो होता है वह एल के लेफ्ट में कभी नहीं होता है, ये भी रूल के विपरीत है, अपोजिट है, ठीक है। एल एक्स एक्स आई वी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल का मतलब 50, 50 प्लस 20 और आई वी का मतलब क्या होता है, 4। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल गया है, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 4 74 हो जाएगा, ये भी मीनिंगफुल हो जाएगा। इस तरह से अदर क्वेश्चन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिव द आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स सी प्लस एक्स, इसको रोमन न्यूमेरल में हम लोग को क्या करना है, प्लस करके बताना है। एक्स सी का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, 90 प्लस एक्स का मतलब क्या होता है, 10। इस तरह से 90 प्लस 10 क्या होता है, 100। दिस इक्वल टू 100 को हम लोग क्या लिखते हैं, केवल और केवल सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड है एक्स 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 माइनस वी, इसका मतलब क्या है, ट्रिपल एक्स का मतलब ये आपका 30 हो जाएगा और माइनस ये 5, दिस इक्वल टू 25। 25 को हम लोग लिखते क्या है रोमन न्यूमेरल में, एक्स एक्स एंड वी, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसमें एक और हम लोग देख लें, फिफ्थ क्वेश्चन एक्स सी वी माइनस एल एक्स एक्स वी। तो एक्स सी का मतलब 90 और वी का मतलब 90 प्लस 5 95 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा एल एक्स एक्स वी, एल का मतलब 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 5 75। दिस इक्वल टू ये क्या मिलेगा, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 7 2, इट मीन्स 20। 20 को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।